पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया। तब से हर साल 15 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। कृषि और ग्रामीण विकास, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और गांव में खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार में महिलाओं के योगदान को मान्यता देने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है। चाहे विकसित देशों या विकासशील, गांव की महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दुनिया के विकासशील देशों के कई भागों में वे फसल उत्पादन और पशुओं की देखभाल के साथ साथ परिवारों के लिए भोजन, पानी और ईंधन की व्यवस्था भी करती हैं। इन कामों के अलावा हर ग्रामीण महिला बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों की देखभाल भी करती है। लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण महिलाओं को परिवार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। देश के ग्रामीण परिवारों में आज भी लड़कियां और महिलाएं पोषण संबंधी भेदभाव की शिकार हैं, जिस वजह से वो कुपोषण और एनीमिया जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की वर्ष 2009 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों की 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में से करीब 56% की शादी 18 वर्ष से भी कम उम्र में हो जाती है। इसके अलावा ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा पर लड़कों के मुकाबले कम ध्यान दिया जाता है। अब भी गांव में लड़कियां पढ़ाई की बजाय घर के कामकाज में हाथ बटाने को मजबूर हैं। अगर गांव में महिलाओं को सशक्त बनाना है तो उनके साथ हो रहे भेदभाव को दूर करना होगा। भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें संचार शक्ति योजना भी शामिल है। इस योजना के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी फोन पर उपलब्ध कराई जाती है। गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याओं को समाज से मिटाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि समाज की मांग भी है। इन्हें इनके अधिकारों और अवसरों से वंचित करने का मतलब होगा बच्चों और पूरे समाज को बेहतर भविष्य से वंचित करना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।